नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी एक्शन मोड में है, तो वहीं कांग्रेस भी हाईजोश के साथ विधानसभा के रण में उतरने की तैयारी में जुट गई है। अजय माकन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई, जिसको कांग्रेस में नूरा कुश्ती करते नेताओं को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। 45 सदस्यों की भारी भरकम जंबो कमेटी में शैलजा सुरजेवाला सहित प्रदेश के तमाम उन नेताओं को रखा गया जिनके पार्टी के अंदर हुड्डा गुट से विरोधी सुर देखे जाते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि जंबो कमेटी में सभी गुट के नेताओं को शामिल करके क्या हमेशा से टकराव करते रहे गुट पार्टी में एकजुट हो पाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या राहुल की बैठक के बाद हरियाणा में कांग्रेस के नेता आपसी मतभेद भुलाकर साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं? कितना कारगर होगा कांग्रेस का ये कदम, ये भी सवाल है। तो हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी क्या कहती है? अजय माकन को जिम्मेदारी सौंपी गई है, बड़ी जिम्मेदारी। बड़े कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और एक अच्छा खासा अनुभव रखाते हैं राजनीति का। हरियाणा में कितना कारगर ये कदम होगा और क्या कहती है स्ट्रेटजी कि बीजेपी को चुनौती देने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मैं सहयोगी, हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव मुकाबला ज्यादा दूर नहीं है। इससे पहले एक्शन मोड में आई कांग्रेस ने दो बड़ी कमेटियों का गठन किया है। इसमें वरिष्ठ नेता अजय माकन की अगुवाई में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, वहीं चुनाव समिति का भी गठन कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस राज्य में अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। चुनावी तैयारियों को धार देते हुए कांग्रेस ने दो बड़ी कमेटियों का गठन किया है। कांग्रेस ने चुनाव रणनीति समिति और चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। पार्टी हाईकमान ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। माकन कमेटी में मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवानी और श्रीनिवास बीवी को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। इसमें हरियाणा के प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी नेता, ओएआईसीसी सचिव, संबंधित स्क्रीनिंग समितियों के पदेन सदस्य होंगे। वहीं कांग्रेस आला कमान की ओर से गठित चुनाव रणनीति समिति में राज्य के तमाम वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। चुनाव रणनीति समिति में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को समिति का चेयरमैन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को कन्वीनर नियुक्त किया गया है। समिति में 45 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें सभी प्रमुख नेता शामिल हैं। बाबरिया ने समिति की पहली बैठक 10 अगस्त को नई दिल्ली के हरियाणा भवन में बुलाई है। दरअसल पार्टी द्वारा विधानसभा की 90 सीटों के लिए टिकट के दावेदार नेताओं को आवेदन करने के लिए कहा हुआ है। अब तक चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 90 सीटों के लिए करीब 2100 से अधिक नेताओं के आवेदन जमा हो चुके हैं। 10 अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमेटी आवेदन फार्मों की छटनी करेगी। वहीं इलेक्शन कमेटी की ओर से सभी हलकों के लिए प्रमुख नेताओं के नाम का पैनल बनाकर स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी सभी नामों पर विचार विमर्श करेगी। इतना ही नहीं, स्क्रीनिंग कमेटी अपने स्तर पर भी सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए सर्वे करवा सकती है। सर्वे रिपोर्ट और खुद की ग्राउंड से जुटाई गई फीडबैक रिपोर्ट और स्थानीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से सभी हलकों के लिए प्रत्याशियों के नामों के पैनल तैयार करके कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजे जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान द्वारा भी विधानसभा चुनाव में मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को तलाशने के लिए अलग से सर्वे करवाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान दिल्ली से सटे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गंभीर है और ऐसे में पार्टी आलाकमान भी राज्य में अलग से सर्वे करवा सकता है। जाहिर है चुनावी मूड को भांपते हुए कांग्रेस अपनी तैयारियों को तेज करने में जुट गई है और इसीलिए कमेटियों का गठन कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या राज्य में अपनी गुटबाजी को थामते हुए एकजुट होकर चुनावी मुकाबला लड़ पाएगी, क्योंकि कमेटियों के गठन के बाद अब बैठकों के परिणाम पर नजरें लगी हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।
बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। पार्टी के लिए चुनौती भी हर चुनाव में देखने को मिलता रहा है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, किस तरीके की रणनीति है इस बार? चुनाव समिति की कमेटी बनाई गई है, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, कांग्रेस की रणनीति क्या कहती है? और एकजुटता पर भी बताएं थोड़ा कि एकजुट हो पाएंगे हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज, SRK गुट और हुड्डा गुट। देखिए सौरभ, ये जो फैसला हुआ है, जो समिति बनी है या स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, केंद्रीय नेतृत्व की पहल और आदेश पर बनी है। केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा के नेताओं में जो गुटबाजी है उसको एक मंच पर लाने की कोशिश की है। और उन्हीं अजय माकन के बारे में बात करें, अजय माकन केंद्र में मंत्री रहे, महासचिव रहे, पार्टी के कद्दावर नेता है और हरियाणा से उनका वास्ता भी रहा है और हरियाणा आते भी रहे हैं बतौर केंद्रीय नेता की। जहां तक एकजुटता की बात है, मेरे को ये लग रहा है कि बहुत टाइम बाद जितने नेता हैं, 45 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है, इसमें सभी गुट गुट तो मेनली तो मैं ये मानता हूं भूपेंद्र हुड्डा गुट और शैलजा और रणदीप गुट ही रह गए हैं। पहले बिल्कुल तीन थे, किरण चौधरी चली गई। बिल्कुल मेन गुट तो दो हैं जिनमें ये आपस की लड़ाई है कि कौन, अगर मुख्य धारा में भूपेंद्र हुड्डा है तो बाकी नेता शैलजा वो चाहते हैं कि हमारी भी अहमियत समझी जाए। किरण चौधरी अब जा चुकी है। तीसरा कैप्टन अजय यादव है, वो थोड़ा रेवाड़ी है, एक साइड में है, वो भी कद्दावर नेता है, ओबीसी के पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, वो भी अपनी भाषा बोलते रहते हैं। तो राव इंदरजीत है जैसे, हालांकि बीजेपी में, तो एक अलग गुट वो भी है जो इन दोनों से इतर अपनी अपनी बातें कहते और अपना संदेश देते रहते हैं। जी कैप्टन अजय यादव के बारे में ये था कि वो गुड़गांव से, गुरुग्राम से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली, थोड़ा नाराज हुए, फिर पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, अब शांत है। तो 45 सदस्यीय कमेटी में सभी विचारधारा और सभी गुटों के लोगों को जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं और सत्ता में लाने का दावा कर रहे हैं, उन सभी को एक मंच पर लाया गया है। और सौरभ मैं ये भी कहूंगा, जब आमने सामने बैठेंगे, नजरें मिलेंगी, तो शायद कुछ मन की बात भी होगी कि चलिए बहुत हुआ सो उसको भूल जाओ, एक नई कोशिश शुरू है पार्टी के लिए। और कांग्रेस नेतृत्व तो ही नहीं, स्थानीय नेता भी मान रहे कि 10 साल का जो सत्ता का वनवास था, 10 साल विपक्ष में रहे हैं, अब थोड़ा एक अवसर नजर आ रहा है, तो उसको अवसर को हाथ से ना जाने दें। जब आमने ठीक है, सामने बैठेंगे, 45 सदस्यीय कमेटी की रणनीति कमेटी की बैठक होगी, जाहिर है थोड़ी बहुत बातचीत होगी, मन भी मिल सकते हैं, और अब समय भी उनके हाथ एक ऐसा मौका आया है कि इसको जाया ना जाने दें। तो मेरे को लगता है गुटबाजी अब थोड़ा सा कम हो सकती है, या आपस में कम्युनिकेशन गैप था, दो एक दूसरे पर हमले थे पर्दे के पीछे, वो उसमें कमी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि अब गुटबाजी को भूलकर पार्टी को मजबूत करो, आपके पास बेहतर मौका है, सुनहरा मौका है कांग्रेस को बिल्कुल रिपीट करने का। और सौरभ एक अर्जेंट बात मैं ये कहता हूं, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, मई में चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसके 5 महीने बाद अक्टूबर में होते हैं, तो हरियाणा में तब सरकार बन गई जब मोदी जी पहली बार 2014 में मई में बने थे प्रधानमंत्री, और 5 महीने बाद हरियाणा आए थे प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्होंने मजबूत किया। और 19 में भी ऐसी स्थिति थी, मतलब केंद्र सरकार के तुरंत बाद 5 महीने बाद हरियाणा सरकार बनी थी। इसीलिए बीजेपी भी इस मौके को हाथ से नहीं देना जाना चाहती, और कांग्रेस भी अब सारे वो उपाय कर रही है, जिस तरीके ठीक से है परिस्थितियां बनी हुई है, कांग्रेस बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला है, जी। तो बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा को पूरी तवज्जो और प्राथमिकता सूची में रखे हुए हैं। महेश, जो तैयारियां हैं क्या कहती हैं कांग्रेस की, क्योंकि अब संगठन बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है कि संगठन का निर्माण किया जाए। एक सवाल खड़ा होता है प्रदेश के नेतृत्व पे हरियाणा कांग्रेस पर कि संगठन नहीं बना पाए, अब क्या संगठन बनेगा, क्या एकजुटता होगी, क्या लग रहा है रणनीति क्या कहती है? देखिए सौरभ, साफ तौर से बात कही जा सकती है कांग्रेस पार्टी के इस संदर्भ को लेकर। यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, चुनाव कमेटी बनाई गई है। मैं साफ तौर से ये कह सकता हूँ कि दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ मिलते रहना चाहिए। यहाँ तमाम कांग्रेसी नेताओं के अलग अलग जो एक तरीके से ग्रुप नजर आ रहे थे, उनमें आपस का जो संवाद है वो यहाँ पर खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा था। अब दिल मिलने की गुंजाइश तो ना के बराबर है, लेकिन हाथ मिलने की गुंजाइश यहाँ जरूर बनती हुई नजर आ रही है। तमाम गुटों के नेताओं
को अगर एक मंच पर एक कमरे में एक हॉल कमरे में बैठाकर अगर एक किसी खास मुद्दे पर संवाद उनसे किया जाएगा तो जाहिर है किसी भी फैसले में उनकी भागीदारी होगी। भागीदारी में वो सहमत हो, कम हो, ज्यादा हो, नहीं हो, लेकिन इतना जरूर है ये नहीं कह पाएंगे कि हमें इस मामले का पता नहीं, हमें इस फैसले में शामिल नहीं किया गया, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब तक ये देखने को मिल रहा था कि किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के काफी सारे दिग्गज नेता सीधे बयान दिया करते हैं कि मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, मुझसे ऐसा कुछ भी पूछा नहीं गया। अब चूंकि हर महत्वपूर्ण फैसले में आप शामिल रहे हैं, आप उसमें अपना जो है ओपिनियन दे चुके हैं, आप अपना जो है उसमें पक्ष रख चुके हैं, आप अपने साथियों का पक्ष रख चुके हैं, तो फिर जो भी फैसला पार्टी का होगा वो उन्हें मानना पड़ेगा। अनुशासनात्मक परिस्थितियों की जहां तक बात है तो मैं बेहतर परिस्थितियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी में देख पा रहा हूं। जब से राहुल गांधी ने यह कहा कि जिसे जाना है चला जाए, लेकिन हम जो है ये इस तरह की बयानबाजी पसंद नहीं करेंगे, किरण चौधरी के जाने के बाद तुरंत बाद जब राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया था और उसके बाद किरण चौधरी को कुछ लोग याद कर रहे थे, तो यहां राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि जो कांग्रेस पार्टी से जाना चाहते हैं वो चले जाएं, लेकिन इस तरह की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं देख पा रहा हूं उसके बाद तमाम जो दोनों अलग अलग गुट हैं, खासकर कुमारी शैलजा का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की तल्ख बयानबाजी यहां पर नहीं की गई है। किसी भी तरह का सीधा प्रहार ना तो कुमारी शैलजा की तरफ से किया गया और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब शैलजा ग्रुप पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। उदय भान जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किसी भी तरह का प्रहार जो है वो किया करते, लेकिन अब उदय भान की भाषा भी बदली हुई नजर आ रही है। सीधा प्रहार राहुल गांधी के उस आदेश के बाद अब खत्म हो चुका है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये युद्ध विराम की स्थिति भी अगर कांग्रेस पार्टी में हरियाणा कांग्रेस में बनी रहती है तो इसका फायदा भी चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। दिल मिलने की गुंजाइश ना के बराबर है, हाथ मिलने की गुंजाइश बनती नजर आ रही है। अब वीरेन जी क्या लग रहा है, कांग्रेस एकजुट होती नजर आएगी हरियाणा में, और अगर एकजुट होती तो बीजेपी के लिए क्या चुनौती बन सकती है? नहीं देखिए, एकजुट होने की बात है, अब ये देखिए जो रणनीति की कमेटी बनी है उसमें जो उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं दीपक बवरिया हैं, संयोजक उदय भान जी हैं, तो उस बैठक के अंदर उस कमेटी के अंदर कुमारी शैलजा को लिया जाना, रणदीप सिंह सुरजेवाला को लिया जाना अच्छी बात है, अच्छा संकेत है, लेकिन क्या इस बैठक में ये लोग शामिल होंगे मुझे इस बात की संभावना नहीं लगती, क्योंकि देखिए कुमारी शैलजा का कद बहुत बड़ा है, रणदीप सुरजेवाला का कद बड़ा है, क्योंकि वो भी प्रदेश प्रभारी हैं, महासचिव हैं, तो दीपक बवरिया की अगर बुलाई गई बैठक में इन दोनों का जो भाग लेना मुझे उसमें संदेह लगता है, उनके मान सम्मान के खिलाफ है, प्रोटोकॉल के खिलाफ है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग उस बैठक में शामिल हों। हाँ लेकिन उनके ऊपर के स्तर पर अगर पार्टी अध्यक्ष बुलाएं, राहुल गांधी बैठक बुलाएं, मल्लिकार्जुन खड़गे बुलाएं, तो उस बैठक में तो ये लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन दीपक बवरिया को तो ये मानते ही नहीं है, तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दीपक बवरिया की जो बुलाई गई बैठक में कैसे भाग लेंगे इसमें मुझे संदेह लगता है। और ये देखिए ये बात निश्चित है कि थोड़ी बहुत गुटबाजी पर अंकुश लगा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है अभी जो है जो समस्या है वो ज्यों की त्यों है। और ये देखिए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय भान ने सिरसा में धन्यवाद रैली की, जब उन्होंने कहा कि आप लोग तो चुनाव प्रचार करने यहाँ सिरसा में आए ही नहीं तो धन्यवाद किस बात का, तो इस तरह कांग्रेस के अंदर वो तनाव तो है, उस संबंधों से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात है कि कांग्रेस हाईकमान ने इसमें हस्तक्षेप किया तो कुछ संबंध सामान्य हुआ, लेकिन दिल से नहीं हुए। अब ये देखिए क्या उदय भान जी ने कभी कुमारी शैलजा से भेंट की, कभी पार्टी संगठन पर जाकर उनका मार्गदर्शन लिया, क्या उदय भान जी रणदीप सुरजेवाला से मिले, कभी उनका मार्गदर्शन लिया? तो ये मतलब बात है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो तो ज्यों की त्यों ही है, ये उस पर यह है कि अभी हमें दिखाई नहीं दे रही, जब टिकटों का वितरण होगा तब ये हमें बिल्कुल दिखाई देगा। अब वीरेन जी सवाल ये भी है कि अगर एकजुटता नहीं होती है तो आने वाले समय में जो एंटी इनकम्बेंसी, महेश ने भी जिक्र किया कई चर्चाओं में, हमने भी चर्चा की कि एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के खिलाफ है वो बुनाने में कांग्रेस सक्षम होगी, अगर ये गुटबाजी थमती नहीं है तो क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव में फायदा उठा पाएगी, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में जबरदस्त रहा है? देखिए गुटबाजी तो लोकसभा चुनाव के समय में भी थी, टिकटों के वितरण में कितना विलंब हुआ और अंत में जाकर कहां फैसला हुआ, तो ये गुटबाजी को आम जनता से तो लेना देना नहीं है, आम जनता समझती है कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस ऐसे ही चुनाव लड़ती रहती है। हाँ अगर बागी उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, अगर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी के लोग ही खड़े हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं, बगावती तेवर अपनाते हैं, तो ये पार्टी का चिंता का विषय हो सकता है। बाकी वैसे देखा जाए तो कांग्रेस में गुटबाजी तो चलती रहेगी, ये इसका कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग मान चुके हैं कि कांग्रेस में तो इस तरह का निजी महत्वाकांक्षा हावी रहती रहती है, वहां की पार्टी के हित गौण रहते रहते हैं,
तो इसलिए कांग्रेस के लोग तो इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि कांग्रेस तो ऐसे ही चुनाव लड़ती है, लेकिन एक बात है कि इस बार कांग्रेस की संभावना अच्छी है, कांग्रेस में टिकटों की मारामारी बहुत ज्यादा है, तो कांग्रेस को इस बात पर भी नियंत्रण रखना है कि जो बागी लोग हैं वो खड़े ना हो, बगावती तेवर ना अपनाए, एक पार्टी में अनुशासन बना रहे। ये देखिए, ये गुट तो रहेंगे, कुमारी शैलजा का अपना गुट रहेगा, वो अपने समर्थकों के लिए लॉबिंग करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों के लिए करेंगे, ये रणदीप सुरजेवाला अपने समर्थकों के लिए प्रचार करेंगे, उनकी टिकट के लिए जो है वो पक्षधर करेंगे, तो ये तो चलता ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जी देवेंद्र, जो गुटबाजी है वो कैसे थमे, क्या कोई संजीवनी हो शीर्ष नेतृत्व के पास? वीरेन जी ने भी जिस तरीके से जिक्र किया, कहा कि अगर राहुल गांधी कुछ पहल करते हैं तो शायद इस गुटबाजी को कुछ हद तक कहा जा सकता है कि हाँ थम जाएगी। अब क्या राहुल गांधी एक संजीवनी मात्र मान लिया जाए कि राहुल जब आएंगे तो ही होगा, और ये कमेटियां बनाने का कुछ फायदा होने वाला नहीं है हरियाणा में? देखिए सौरभ, राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया था पीछे, जो इनको सख्त लहजे में कहा था कि गुटबाजी को खत्म करो, कांग्रेस को मजबूत करो, तुम एक साझा लड़ाई लड़ो, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक मौका है हरियाणा में। और अब जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई, कर्नाटक में आई, तेलंगाना में आई, अगर इस तरीके से जैसे एक एक करके स्टेट बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी थी, अगर कांग्रेस कुछ कंफर्टेबल स्थिति में आती है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में काफी कुछ कांग्रेस के लिए बदला है, तो राहुल गांधी की डोज ने पहले असर दिखाया है। अब तो चुनाव बिल्कुल नजदीक है, और नेताओं को भी समझ आना चाहिए और शायद समझेंगे भी कि पार्टी कोशिश कर रही है कि गुटबाजी को खत्म करो, कांग्रेस मजबूती की स्थिति है, कांग्रेस में काफी कुछ बदला हुआ नजर भी आ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस की मजबूत स्थिति को देखकर जिलों में जो नेता है उनका उत्साह बढ़ा हुआ है, और बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने के इच्छुक है जिन्होंने अप्लाई किया है। भले ही उनको पता है कि टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, उम्मीदवारी तो बाद में पता लगेगी कि उम्मीदवार कौन है। तो कांग्रेस के लिए हालात हरियाणा में बदले हैं, और कांग्रेस हाईकमान भी ये महसूस कर रहा है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से सख्त भाषा का इस्तेमाल किया था, इनको एक इशारा किया था, उसका असर है। लगता है अभी चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें और होनी है, केंद्रीय नेतृत्व भी निगरानी रखे हुए हैं, और जो नेता हैं इनको पता है, ये इनको भी पता है कि अगर कांग्रेस चूक गई या फिर बीजेपी हैट्रिक मार गई तो इनका क्या होगा, इनके समर्थकों का क्या होगा। मेरे को लगता है वो डरावना सपना शायद नहीं देखना चाहेंगे, और मेरे को लगता है पहले से कांग्रेस की स्थिति सुधरी है, और अब एक मंच पर बैठेंगे या एक लय में बोलेंगे तो कुछ ना कुछ पहले से सुधार नजर आएगा, और जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी, आगे समय गुजरेगा, चुनाव और नजदीक आएंगे, तो कांग्रेस के कई नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रति जो रिस्पॉन्स है, लोगों का रुझान है, कांग्रेस और मजबूत होगी, कांग्रेस को और रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा कई कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं, और इस दिशा में कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। महेश, कांग्रेस की प्रति जो है जनता का जो समर्थन है वो बड़ा है, सवाल यह है कि अब स्ट्रेटजी कांग्रेस की क्या रह सकती है? हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं कि भाई बीजेपी की स्ट्रेटजी गैरजाट पर फोकस रहेगा, दक्षिणी बेल्ट पर, जीटी बेल्ट पर, दक्षिण हरियाणा पर बीजेपी फोकस करे, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जाट समुदाय, किसानों को साधना, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट, जनता के वोट लेना आती है, अगर एकजुटता नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार ही अगर बागी बनकर हिस्सों में बांटने का काम करेंगे, संगठन पहले से नहीं है और एकजुटता ना के बराबर, तो ऐसे में इस तरह की जो चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने लगातार बनी हुई हैं, जैसा कि मैंने कहा कि लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी वोट लेना चाहती है? सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से, कितने बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी कर पाती है। लोकसभा में बेहतरीन परिणाम कांग्रेस पार्टी इसीलिए हासिल कर पाई क्योंकि सही उम्मीदवारों का चयन, मुझे लगता है कि बेहतरीन उम्मीदवारों का चयन यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए संभव हुआ था। यह पहली बार हुआ था कि जब घरानों से बाहर निकलकर कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए सही निर्णय तलाशने की, सही उम्मीदवार तलाशने की कोशिश की थी। अब अगर एक बार फिर से घरानों से बाहर निकलकर, बड़े चेहरों से बाहर निकलकर, मजबूत चेहरों पर अगर कांग्रेस पार्टी दाव खेलेगी तो यह दाव जनता के समर्थन से, सहयोग से कांग्रेस पार्टी के लिए सीधे पड़ेंगे और फायदे का सौदा कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हो सकता है। वीरेन जी, लास्ट कमेंट। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जी अपना अलग, हरियाणा मांगे साहब अलग रैलियां कर रहे हैं,
कुमारी शैलजा अपनी अलग संदेश यात्रा कर रही है, जब ये लोग अभी एक मंच पर ही नहीं आ रहे तो एकता कैसे संभव हो सकती है? तो ये बात तो बिल्कुल है कि इनमें इस तरह का तो बगावती तेवर आपस में टकराव ये तो चलता ही रहना है। जब ये लोग जनता के सामने संगठित होकर नहीं आते, एक मंच पर नहीं आते, तब तक कांग्रेस में एकता की बात बेमानी है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यह है कि कांग्रेस क्या एकजुट हो पाएगी? हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, चुनाव रणनीति समिति बनाई गई है, इसका असर कितना होगा, संगठन बनेगा कांग्रेस का, और हरियाणा में क्या एक साथ तमाम दिग्गज नेता शैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, हुड्डा गुट है, कदमताल करता नजर आएगा, इस सवाल बरकरार है। देखने वाली बात होगी, आगे धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी कि कमेटियों का कितना असर पड़ता है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।